और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। एमपी रूंगटा और परिजनों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, अपहरण और जान से मारने की धमकी का आरोप भी है। 5 नवंबर 1997 को ये धमकी दी गई थी। एमपी रूंगटा के भाई नंद किशोर रूंगटा का अपहरण भी किया गया था और इस पूरे मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, कौन कौन से आरोप लगे थे और ये जो आरोप तय हुए हैं, कब फैसला इस पर आ सकता है? देखिए, वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रूंगटा थे, उनका अपहरण हुआ था। उसमें मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह का नाम सामने आया था। उनके भाई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके भाई को धमकी दी गई थी, तो उस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उस मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मुख्तार अंसारी ने लंबे समय तक इस मामले को लटकाए रखा था। पिछली सुनवाई में एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन मुख्तार अंसारी की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। आज जब इस मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय होने का सीधा मतलब ये है कि अब इस मामले में ट्रायल शुरू हो सकेगा। ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। मुख्तार अंसारी को सभी आरोप सुनाए गए, हालांकि वो उसने सभी आरोपों को मानने से इनकार किया। उसने कहा कि वो बेगुनाह है, उस पर कोई आरोप नहीं बनता है, लेकिन कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, यानी 4 से 6 हफ्ते के अंदर इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो अभियोजन पक्ष है, यानी जो सरकारी पक्ष है, ये उस पर निर्भर करेगा कि वो जो है केस का ट्रायल कितनी जल्दी पूरी करा पाता है और क्या मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के लोगों को इस मामले में सजा भी करा पाता है या नहीं करा पाता है, ये अब अभियोजन पक्ष पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, क्योंकि आरोप लगे भी लंबा वक्त हो गया, अब आरोप तय हो रहे हैं, ऐसे में बहुत जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होगी। शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।